यदि आप या फिर आपके घर में कोई भी सदस्य किसी कंपनी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे और उनका पीएफ कट रहा था, अभी उन्होंने जॉब छोड़ दिया है और पूरा का पूरा पैसा उनको निकालना है, तो देखिए यहाँ पे पीएफ का जो पैसा होता है, ये पासबुक में आपको दिखा रहा हूँ, देखिए वो तो आपको पूरा का पूरा मिल जाता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है फॉर्म नंबर 19 भरने के बाद। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, काफी लोगों को आती है और काफी लोग कमेंट करके भी पूछते हैं। देखिए जो पेंशन शेयर है ना, जो फॉर्म नंबर 10C को फील करके पैसा निकालते हैं, उसमें काफी लोगों को समस्याएं देखने को मिलती हैं। क्या समस्या देखने को मिलती है, देखिए यहाँ पे जो आपका पैसा देखने को मिलता है ना, ये तो पैसा तो सही देखने को मिलता है, जितना आपका जमा हुआ है उतना ही पैसा देखने को मिलता है। लेकिन जब आप पैसा निकालने जाते हो ये वाला ऑप्शन, तो सबसे पहले तो अगर आपका 9.5 साल से कम का सर्विस है तो ही ये निकलता है, अगर 9.5 साल से ज्यादा का हुआ तो ये आप पैसा नहीं निकाल पाओगे, इसके लिए आपको पेंशन ईपीएफओ देता है, 10 साल की सर्विस मानी जाती है। लेकिन 9.5 साल से कम है पैसा और आप निकालना चाहते हो तो ये पूरा का पूरा नहीं निकलता है, कई कुछ लोगों को तो ज्यादा पैसा मिल जाता है, जो पैसा ये शो कर रहा है ना इससे ज्यादा मिल जाता है, और कुछ लोगों को तो पैसा कम मिलता है और कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा कम मिलता है। अगर थोड़ा ज्यादा मिला आपको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका फायदा ही फायदा है, थोड़ा सा कम मिला तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपको जितना मिलना चाहिए था उतना ही मिला है या नहीं मिला है। और जो तीसरा है जो कि बहुत ही ज्यादा कम मिल जाता है कुछ लोगों को, या बहुत ही ज्यादा तो नहीं मिलता है, कोई भी मैंने नहीं देखा अभी तक, लेकिन बहुत ज्यादा कम मिल जाता है ये मैंने देखा हुआ है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा कम मिला हुआ है तो आप जो बचा हुआ पैसा है, बैलेंस पैसा है, उसे आप ईपीएफओ से ले सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको लेना है। लेकिन सबसे पहले तो हम कैलकुलेशन इसका समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम जानेंगे कि देखिए एक एम्प्लॉई का मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिनका यहाँ पे पूरा पैसा 11,211 रुपए बन रहा है पेंशन का, और इनका हम क्लेम स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादा पैसा सेटल हुआ है। देखिए सेटल क्लेम 2 हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्म नंबर 10C हम देख रहे हैं, और फॉर्म नंबर 10C में 11,404 रुपया यहाँ पे इनका सेटल हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनको 193 रुपए ज्यादा मिल गया है। तो भैया ज्यादा मिल गया तो ये तो कुछ भी करने वाले नहीं है, कहीं भी कमेंट वमेंट नहीं करने वाले हैं। लेकिन ऐसे एम्प्लॉई का भी मैं आपको दिखाऊंगा जिनका पैसा ज्यादा था लेकिन कम मिला है, और मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि ईपीएफओ किस तरीके से कैलकुलेशन करता है और कैसे आप इस चीज को मैच करवा सकते हैं। अब फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे हमने दूसरे एम्प्लॉई के पीएफ पासबुक में हमने लॉगिन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले तो इनका पासबुक चेक करेंगे, और देखिए पैसा इन्होंने 0-0 है, पूरा पैसा निकाल लिया है इन्होंने। अब देखिए पासबुक हम चेक करेंगे तो पासबुक में आप देखेंगे कि यहाँ पे इनका जो भी पेंशन का शेयर है इसमें इनका पैसा बनता है 63,750 रुपए। अब ये हम नोट कर लेंगे कि इनका इतना पैसा बन रहा था। अब उसके बाद से निकला कि इतना है इनका, तो ये जानने के लिए हम क्लेम वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि सेटल्ड में 2 क्लेम सेटल हुआ है, और यहाँ पे अब आपको देखने को मिल रहा है कि जो फॉर्म नंबर 10C है, 10C जो कि इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि 59,850 रुपया ही सेटल हुआ है। कितना कम डिफरेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और फिर हम जानेंगे कि ये जो भी पैसा इनका मिला है क्या सही पैसा मिला है, ईपीएफओ के रूल के हिसाब से मिला है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा टीडीएस वगैरह कट गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो पेंशन का पैसा होता है उसमें टीडीएस नहीं कटता है, केवल और केवल आपका जो भी ये फॉर्म नंबर 19 का पैसा है ना, पीएफ का पैसा है, इसमें से ही कटता है, और वो भी तब कटता है जब आपको कोई भी दिक्कत रही होती है, जब अगर 15G फॉर्म आप अप्लाई नहीं करते हो या फिर अपना पैन कार्ड वगैरह नहीं लगाते हो तब जाके दिक्कत आती है। और अगर आपके खाते में भी 5 साल से कम का सर्विस पीरियड है और पैसा 50,000 से ज्यादा है तो भैया आप सबसे पहले वो वाली वीडियो चेकआउट कर लो जो कि मैंने डिटेल्स में बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको 15G फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरना है और उसके बाद से इसके साथ ही अटैच करना है, आपका भी पैसा नहीं कटेगा। तो चलिए अभी हम पेंशन की बात कर रहे थे, तो पेंशन में इनको इतना पैसा मिला है। अब ये पैसा हम डिफरेंट देख लेंगे, कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ देखिए, और हम डिफरेंट देखेंगे कि इनको कितना डिफरेंट आया है। तो देखिए यहाँ पे हमने 59,850 रुपये जो कि इनको मिला है, सेटल हुआ है, इनके खाते में भी जुड़ गया है, वो हमने लिख लिया, और कितना इनके पीएफ पासबुक में था वो ये है। अब देखिए हम इक्वल टू करेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि इनको कितने का लॉस हुआ है, 3,900 रुपये का लॉस हुआ है। अब 3,900 रुपये तो भाई छोटा मोटा अकाउंट नहीं है, अमाउंट नहीं ज्यादा है, लेकिन फिर भी अब हम जानेंगे कि ईपीएफओ किस तरीके से कैलकुलेशन करता है, और कैलकुलेशन के हिसाब से इनका सही पैसा नहीं मिला है
तो फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप पूरा पैसा भी ले सकते हो। तो इनका हम सबसे पहले तो सर्विस पीरियड देखेंगे। सर्विस हिस्ट्री देखने के लिए ईपीएफओ ने बहुत ही बढ़िया वाला काम किया है, जो कि पासबुक वाले पोर्टल पे ही ये ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया। इससे पहले हमको यूनिफाइड पोर्टल पे जाना पड़ता था, वहां पे देखना पड़ता था। अब वहां पे कई सारी सिक्योरिटी लग गया है, वहां पे लॉग इन कर नहीं सकते। यहाँ पे अभी ईपीएफओ ने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो देखिये यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इनकी कितनी सर्विस है, 4 साल 2 महीना 30 दिन की सर्विस है। अब देखिए यहाँ पे अब हम जान चुके हैं कि कितना इनका सर्विस हिस्ट्री है टोटल। अब हम जान लेते हैं कि ईपीएफओ एग्जैक्ट किस तरीके से कैलकुलेशन करता है। तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन देखने के लिए हमको दोबारा से यहाँ पे इस पीडीएफ फाइल पे आना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो पीडीएफ फाइल है ना, इसमें आपको केवल और केवल ईयर देखने को मिल रहा है, कोई मंथ मंथ देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि आपको ये जो कैलकुलेशन करना है वो ईयर में ही करना है। यानी कि यहाँ पे ईपीएफओ के द्वारा राउंड अप का नियम अप्लाई होता है। राउंड अप का क्या नियम है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने 5 साल 5 महीना काम किया है, तो ये जो बाद में 5 महीना है ना, ये आधा साल नहीं हुआ है, आधा साल से कम है, तो इसको ईपीएफओ के द्वारा जीरो मान लिया जाता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 3 साल और 7 महीना काम किया है, तो ईपीएफओ ऐसा बोलेगा कि नहीं नहीं आपका जो सर्विस पीरियड हुआ है वो 4 साल हुआ है। अब देखिए इनके केस में जैसे कि 4 साल और यहाँ पे 2 महीना ही देखने को मिला है 30 दिन, तो अब ये 6 महीना से कम है, इसलिए ये जो मंथ है वो जीरो हो जाएगा और यहाँ पे 4 साल के हिसाब से इनको पैसा मिला है। अब देखिए यहाँ पे 4 साल के हिसाब से जो यहाँ पे कैलकुलेशन है वो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 3.99 से मल्टीप्लाई करना है आपके वेज से। जी हाँ फ्रेंड्स, जो ईपीएस का मंथली वेज है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम देख लेते हैं किससे करना है। सबसे पहले यहाँ पे पासबुक वाले ऑप्शन पे दोबारा से आप आएंगे और उसके बाद से यहाँ पे आपको ईपीएस का वेज देखने को मिल जाएगा। जो ईपीएस का वेज है ना यहाँ पे, ये 15,000 है, तो 15,000 से आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो चलिए मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ और फटाफट दिखा भी देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 3.99 से मल्टीप्लाई करना है और किस में करना है, आपका जो भी वेज है। तो 15,000 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू करेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि 59,850 रुपए आता है। यानी कि ईपीएफओ ने इस तरीके से कैलकुलेशन करके और इनका पैसा सेटल कर दिया है। देखिए यहाँ पे इनका पैसा कितना सेटल हुआ था वो भी हम दोबारा से देख लेते हैं। क्लेम्स वाले ऑप्शन में जाएंगे और सेटल वाले ऑप्शन में जाएंगे। देखिए ये बिल्कुल सही पैसा ईपीएफओ द्वारा सेटल किया गया है। तो अब ये नहीं क्लेम कर सकते हैं, ईपीएफओ को बोल नहीं सकते हैं कि नहीं नहीं भैया मेरा पैसा 4,000 रुपए और 3,900 रुपए इनका फंस रहा है ना। हाँ, लेकिन यदि आपके केस में अब आप जान चुके हो कि इस तरीके से कैलकुलेशन होता है, तो आप सबसे पहले नौकरी छोड़ने से पहले आप कैलकुलेशन कर लो कि कब आपको छोड़ने में फायदा है। अब देखिए अगर आपने नौकरी छोड़ दिया है और आप कैलकुलेशन कर रहे हो और यहाँ पे कम से कम 15-20 हजार का अंतर आ रहा है, ज्यादा का अंतर आ रहा है और इतना अंतर नहीं आना चाहिए, आप बिल्कुल सही कैलकुलेशन कर रहे हो उसके हिसाब से भी, तो अब आप क्या कर सकते हो कि पूरे प्रूफ के साथ सबसे पहले तो आप अपना जो भी आपका पैसा सेटल हुआ है तो बैंक का पासबुक का जो भी स्क्रीनशॉट है वो ले लेना है आपको। ये जो भी पासबुक में यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इतना पैसा सेटल किया गया है ईपीएफओ द्वारा, ये ले लेना है। और बाद में आपका ये जो पासबुक में पैसा देखने को मिल रहा है ये 3 चीज आपको लेना है। और उसके बाद से ग्रीवेंस रजिस्टर करना है। ग्रीवेंस में प्रॉपर डिटेल्स आपको लिख देना है कि आपके एक्सपेक्टेड कितना पैसा आना चाहिए था कैलकुलेशन के हिसाब से और अब आपको कितना मिला है, और उसका ये जो तीनों चीज मैंने बताया है प्रूफ, ये आपको अटैच कर देना है, लगा देना है। उसके बाद से ग्रीवेंस रजिस्टर करना है। अगर प्रॉपर ग्रीवेंस आप रजिस्टर करते हो तो डेफिनेटली ईपीएफओ की तरफ से रिप्लाई आएगा और अब आपको पैसा मिलेगा, लेकिन आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको अपने पीएफ ऑफिस पे जाकर के ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भरना पड़ेगा और बचा हुआ जो पैसा है वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ग्रीवेंस किस तरीके से रजिस्टर करते हैं इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, वो वाली वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस वीडियो में मैंने काफी ज्यादा डिटेल्स में बताया है कि किस तरीके से आप पता कर सकते हो कि आपको पैसा कितना मिलने वाला है या फिर जो भी पैसा पेंशन का मिला है वो कम तो नहीं मिला, अगर कम मिला है तो आपको क्या करना चाहिए। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।